आज हम इस मोर के बारे में आपको कैसे बनते इसके बारे में बताएंगे। ये वाला डिजाइन ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे हम। ये रस्सी हमने ले ली 8 mm के साइज की, यानी 16 तार। इसमें पूरी डबल मैश के लिए 6 गज रस्सी लगती है, लेकिन छोटे बड़े साइज बनाने के लिए हमने कम या ज़्यादा भी करनी पड़ जाती है। जिस तरह 2 साल का पशु है, 1.5 साल का है, 1 साल का है, उसी हिसाब से इसको छोटा बड़ा किया जाता है। ये रस्सी लिए, इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले एक ये पाइप का टुकड़ा डालते हैं, ये एक साइड वाले के अंदर ये डाल दिया, और अब हम इसको दोनों सिरे मिला के एक बार के लिए टेम्परेरी गांठ लगाते हैं। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं। अब हमने ये लेनी है, बड़ी मैस है, फुल साइज का पशु है, उसके लिए तो 1.5 फुट लेते हैं, लेकिन इसमें छोटी है, ये 2.5-3 साल की जो भी जोड़ी काट रही है उसके लिए थोड़ा छोटा साइज ले लेंगे। ऐसे इतना बिच्चा देके, और जिस साइड में हमने नलकी डाली है, जो पाइप का टुकड़ा डाला है, ये वाली रस्सी लेनी है, जिस तरह करीब करीब 10-11 इंच इस तरह एक साइड वाली, ये ऐसे इस तरह लो, एक साइड वाली ऐसे। इसके बाद अगले उंगली के अंदर से फिर इस रस्सी को लेना है, इसको ऐसे, इसके अंदर ये पाइप जरूर जानी चाहिए, ये दोनों बराबर बराबर इस तरह, दो रस्सी साइड, दो इस साइड, दो इस साइड और दो इस साइड, 4 वाली गांठ लगेगी, ये चारों अलग अलग है। अब हमने ये वाली रस्सी लेनी है इन दोनों के बीच से, यहाँ से एक ही साइड रह जाएगी, एक ही साइड ऐसे। इसके बाद में नंबर आएगा इसका, इसको लेंगे हम इन दोनों के बीच से ऐसे। अब इसका नंबर आएगा, इसको लेंगे हम इनके ऊपर से ऐसे, और हम अंगूठा निकाल लेते हैं इस लंबे वाली को, अंगूठे वाली जगह यहां से लेंगे ऐसे। ये हमारी चौरस गांठ लगी चारों साइड की, ये दोनों बराबर, ये ऊपर बंधेगी वो, और जो ये नीचे से घूम कर आएगी वो ऐसे तैयार होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा लेते हैं, यानी मैं बनाता हूँ मेरी साइड। हमने पहले क्या करना है, अब हम इस पाइप के टुकड़े को यहाँ लेके आते हैं, ये घूम के आ जाएगा, यानी यहाँ इस जगह लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस रस्सी को हम खोल लेंगे यहाँ से, जो ये वाली रस्सी है वो यहाँ से घूम के यहाँ आएगी, इस वाली नहीं, इस साइड वाली ये रस्सी हम वापसी निकालते हैं इससे। यहाँ से निकाले ताकि हमें डालनी भी फिर यहीं है, ये ध्यान रखो, ये निकल गई और ये इस साइड से यहाँ आ गई। हमने ये रस्सी निकाल ली इसके अंदर से, अब इस रस्सी को ऐसे घुमा के लेना है,
इसको हम डालेंगे इस पाइप के अंदर से ऐसे ऐसे आ जाएगी, और जहाँ से हमने इस गांठ से निकाल ली थी उस गांठ के अंदर, ये अंदर की साइड वाली है न कि बाहर की, इस साइड की, यहीं से निकाली थी यहीं से हम वापसी डालेंगे इसको ऐसे। और अब आएगी इसके नीचे से और फिर इस साइड से, यानी यहाँ बाहर की साइड से, यहाँ से इस तरह से वापस डल जाएगी। ये वापस पहले की तरह दोबारा से फिर गांठ लग गई, ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर गई, यहाँ हमारी गांठ लग जाएगी। ये अब हमने क्या करना है, ये जो घूम कर आएगी यहाँ पर हम बोरकली डाल दें या नीचे रस्सा बांधें। उसके लिए जैसे हमने ये लिया रस्सा लगा रखा है बोरकली के अंदर ताकि ये रस्सा बाद में ना लगाना पड़े, हम इसको डालते हैं यहाँ से ऐसे डल जाएगी। और इसके बाद हम ये गांठ यहाँ लगाएंगे, ये वाली नीचे रहेगी और ये इसके ऊपर से आ जाएगी इस तरह। और इसको उठाकर यहाँ से हाथ निकाल के इसको हम बाहर की साइड ले आएंगे। और अब इस रस्सी को यहाँ से ऐसे निकाल देंगे ये लग गई गांठ हमारी। इसके बाद इसका नंबर है, अब हम इसको भी इसी तरह ये नीचे और ये ऊपर से ऐसे, और इन दोनों के बीच से इसको हम ये निकाल लेंगे ऐसे, और जो ये जगह बची है इसके अंदर से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये दूसरी गांठ लग गई हमारी। ये हमारी मोरी बन के तैयार होगी ऐसे। इस तरह हमारी मोरी बन के तैयार हो जाएगी। ये नाक के ऊपर से आएगी, ये सुंदर लगेगी, और चार रस्सी होने के नाते ये नाक पर किसी प्रकार का निशान भी नहीं आने देगी, न कटाई करेगी, इस तरह बन जाएगी ऐसे हो जाएगी। इसको यहाँ से डाल लेंगे। Thank you.